जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सागर से खबर है। निर्भया केस में फांसी दिलाने वाली सीमा कुशवाहा व चंबल के टाइगर पहुंचे सागर, फांसी की करी मांग। दिल्ली के निर्भया मामले में फांसी दिलाने वाली एडवोकेट सीमा कुशवाहा भारती एससी एसटी व अन्य सभी ने जमकर विरोध किया। आपको बता दें और कहा कि बंडा में 13 वर्षीय बेटी के साथ अरुण मिश्रा ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वो दुष्कर्मी को फांसी दिला करके रहेंगे और उन्होंने कहा कि एससी एसटी ओबीसी वर्ग के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर मैं हमेशा आवाज उठाती रहूंगी। ऐसे दुष्कर्म बलात्कार करने वाले लोगों को फांसी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है हाई कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा की। दिल्ली के निर्भया मामले में एक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते सफलता में सत्य की विजय हुई। आपको बता दें, निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वहीं बंडा की पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने को लेकर भारत के हर राज्य से आए ओबीसी एसटी एससी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और अपराधी को फांसी दिलाने की मांग की। प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ जो सामंतवादियों ने पार्टी से निकाल दिया, जिसको लेकर एससी एसटी ओबीसी के लाखों कार्यकर्ताओं ने सागर में महापंचायत करने को लेकर कार्यक्रम किया, जहां आपको बता दें सभी संगठनों द्वारा बंडा की 13 वर्षीय बेटी के न्याय को लेकर बरसते पानी में खड़े रहकर एससी एसटी ओबीसी कार्यकर्ताओं और फांसी की मांग की। जगह न्यूज 24 मध्य प्रदेश से एमपी ब्यूरो कमल राजपूत की खास रिपोर्ट। में निर्भया नाम की बिटिया के साथ अपराध हुआ था, उन्होंने उस बेटी के साथ बलात्कार किया था। आपकी इस बहन ने कोर्ट में दलीलें पेश करके लड़ाई नहीं लड़ी, मुझे शासन प्रशासन से लड़ना पड़ा, तब जाकर के आज मैं आप लोगों से एक वादा करके जाती हूँ। अगर मेरे बंडा की इस बिटिया जो 11 साल की मासूम बच्ची है, अगर इसके इलाज ठीक से नहीं होता है और उसके अपराधी को फांसी की सजा नहीं होती है, ये बहन मध्य प्रदेश में आप लोगों के बीच आकर के उसको फांसी नहीं है। अभी एनसीआरबी का डाटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट डाटा निकालती है, आप लोगों को पता है भाइयों, ये लोग कहते हैं जहां नारियों का निवास होता है वहां देवता निवास करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मासूम बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं। शर्मानी चाहिए बीजेपी सरकार को, शर्मानी चाहिए चौहान को। आप लोगों को पता है इसी मध्य प्रदेश की धरती में सबसे ज्यादा अगर एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ अपराध किए जाते हैं, उसका कारण है आप लोगों का बिखराव। लेकिन आज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप लोगों ने अगर एकजुटता ये दिखा दी, अभी जो हम लोग आ रहे थे देख रहे थे, लोग पुलिस प्रशासन यहाँ का रूट कदम दे रहा है, आपके लोग अभी भी कम से कम 50% लोग रोड पर घूम रहे हैं, लेकिन ये रोड अगर ये बदल रहे हैं, रूट बदल रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो सत्ता में है। और एक कहावत है कि जिसके पास सत्ता की चाबी होती है वो सब कुछ बदल देता है। संस्कार अंत में एक मिनट और लेना चाहूंगी और मेरी यही मांगे है कि ये सब करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे एक संकल्प दिलाने आई हूँ, क्योंकि ध्यान रखिएगा, एक नारा लगवाने आई हूँ कि मेरा औरों से कोई डर नहीं। आप कहेंगे पर पाखंडियों की अब खैर नहीं, औरों से कोई डर नहीं, तू तो पत्तों के पास से पार तोड़ रही है, तेरी चोट में जितना पानी आएगा उससे तो आग
वाले में नहीं, करके आश्वासन दिलाते हैं यहाँ पर आतंकारी को फांसी की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इतनी बरसात में कि इसमें हमारे ओबीसी एससी और एसटी की मंच पर बैठे मंचासीन अब बहुत वह में किसी का नाम रह गया तो वो नाराज हो जाता है, तो पूरे नाम नहीं ले पाऊंगा मैं। हमारे साथ जो काम कर रहे हैं हमारे कमल सिंह मोदी जी, संतोष प्रजापति जी, हमारे मंच दूसरा निवेदन करूंगा और जी प्रजापति जी भी बैठे हुए हैं हमारे बीच में, हमारे बीच में बहादुर दादा भी बैठे हुए हैं हमारे बीच में, बैठे हुए हैं हमारी दिल्ली से आई हमारी सीमा जी बैठी हुई है और हमारे